हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में अपन सिग्मा बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, वो हमने कर लिए कि इन जनरल कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रख लिए, और उसके बाद जनरल टर्म आपने पकड़ ली, और उसके बाद उसको आपने सिग्मा के टर्म्स में लिख लिया और सिग्मा के फॉर्मूले लगा दिए, बस इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, मान लो 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 इस तरह जो एक सीरीज थी, तो इसको देख के तो अपन देखो जनरल टर्म पहचान लेते हैं, है ना। इसको देख के तो अपन ने जनरल टर्म पहचान ली थी, लेकिन अगर वो इसको क्लब कर दे, वो बोले 6 24 60, ऐसे आगे क्या होगा, 4 5 6 120, ठीक है, आगे क्या होगा, 5 6 7 210, इस तरह से दे दे, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसे दिया है तब तो अपन जनरल टर्म बहुत आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसे दे दे सीरीज, लो अब बताओ, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। ऐसे तो अपन जनरल टर्म इसमें कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर हम क्या सोचेंगे भाई, ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना कोई मुझे स्टैंडर्ड पैटर्न दिख रहा है, ना कोई इसकी जनरल टर्म मेरे पकड़ में आ रही है। फिर मैं थोड़ा एक अलग तरीके से सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि यार इसका डिफरेंस क्या है, 18, इसका डिफरेंस कितना है, सर 36 सर 36, 36 और इसका सर डिफरेंस कितना 60 आ है, गया सर 60, 60 और इसका कितना है, 90, 90 इसका कितना है, 18, इसका कितना है, 24, इसका 24 कितना है, 30। 30 अगला टर्म एक बार देखो, अगला टर्म क्या है ना, ताकि अपन पूरा श्योर हो जाए, अगला टर्म क्या होगा इसका, 5 6 7, वो तो लिख ही लिया, यस सर उसके बाद वाला होगा 6 7 8, तो 42 × 8, 42 × 8 336 सर 16 336। 336 तो देखो इसका गैप कितना है, इसका गैप 116। हाँ 120 सर भाई, 126 126 है सर 126, और इसका गैप कितना है, 36। 36 सर क्या ये एपी तो बन सिक्स रही, का गैप आ रहा है क्या ये एपी बन रही है, जे का गैप सर गैस सर एपी बन रही है यस तो इसमें क्या समझ में आया हमें, कि गैप का गैप एपी में आ रहा है, बात समझ में आई, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में आ रहा है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहला डिफरेंस एपी में आ जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दूसरा डिफरेंस आ जाए, और अगर आपकी और वाट लगानी हो तो तीसरा डिफरेंस आ जाए। जितना ज्यादा डिफरेंस में डिफरेंस जाओगे, उतना क्वेश्चन बड़ा होगा, लेंदी होगा, ठीक है ना। तो आपको यह बात समझ में आ रही है कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है, या तो इतने ज्यादा आइंस्टाइन अपन हो कि अपन इसको देख के इस ये समझ जाए, फिर तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, है ना। इतने आइंस्टाइन अपन नहीं है, अपन तो एवरेज से लोग हैं, तो अपने दिमाग में यहां से यहां जाना पॉसिबल इतना नहीं होता, तो फिर हमें कई बार ऐसे शिकार खेलने पड़ते हैं कि हम उनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस का डिफरेंस जरूरी नहीं है ऐसा कुछ हो सकता है उस सीरीज में ऐसा कुछ ना हो, बट अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें ये बात करने वाले हैं कि जब डिफरेंस या डिफरेंस का डिफरेंस या डिफरेंस के डिफरेंस का डिफरेंस, है ना, ये या तो एपी में हो या जीपी में हो, तो क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, ये क्या था आपका फर्स्ट डिफरेंस, ये क्या था आपका सेकेंड डिफरेंस। अब यहां पे सेकेंड डिफरेंस एपी में आ गया, ठीक है ना। आगे जाके देखोगे तो छे छे छे, क्लियर है। यस सर हाँ यस सर तो बस
तो हम यही कह रहे थे कि इस तरह से जब एपी में डिफरेंस आ जाए या जीपी में आ जाए तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उस पे क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो हेडिंग डाल सकते हैं व्हेन kth डिफरेंस आर इन एपी, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ठीक है ना। ये सेकंड डिफरेंस आपका एपी में आ गया, ऐसे ही मान लो थर्ड डिफरेंस पे आता या फोर्थ पे आता तो kth बोल दिए, kth। जब भी मतलब डिफरेंस के डिफरेंसेस एपी में आएंगे तो क्वेश्चंस को कैसे करना है उसकी हेडिंग चल रही है, ठीक है ना। तो व्हेन kth डिफरेंस आर इन एपी, सर। हाँ जी, हाँ जी। तो जब kth डिफरेंस एपी में होगा तो इस पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, करने को अपन ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं जिसमें सिर्फ पहला डिफरेंस एपी में आ जाए, है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें तो क्या दूसरा डिफरेंस एपी में आया है, तो वो थोड़ा सा लेंथी होगा, है ना। पहले स्टेप में अपन सिर्फ यही समझे कि पहले में जो क्वेश्चन लेने वाला हूं थोड़ा इजी वाला, वो ये कि पहला डिफरेंस एपी में आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो ये मिटा रहा हूं मैं, है ना। ये तो आपको ये बताया था कि किस कैडर के क्वेश्चन को अपन को डील करना है इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने, तीन प्लस नौ प्लस सत्रह प्लस सत्ताईस प्लस नाइन एट्टी नाइन तक इस सीरीज को सॉल्व करना है सपोज, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपके सामने सीरीज आई तो आपने देखा कि पहला गैप छह, दूसरा गैप आठ, तीसरा गैप दस। तो आपको पता चल गया कि ये जो फर्स्ट गैप है ये एपी बना रहा है एक, हाँ जी। यस सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले तो दोबारा एस लिखेंगे, और इसको एक स्टेप उचका के लिख देंगे, है ना, एक स्टेप राइट में उचका देंगे। जैसे वहां पे एजीपी में कॉमन रेशियो से गुना करके उचकाते थे ना, तो यहां गुना गुना किसी से नहीं करना क्योंकि सीधा डिफरेंस करना है हमें, तो सीधा उचका दो बस। तो एस को दोबारा मैं लिख सकता हूं एक स्टेप इधर उचका के, तीन प्लस नौ प्लस सत्रह प्लस, हाँ जी, कितने का गैप है देखो, दो दो का गैप है, नहीं सॉरी, चलो जो भी होगा इसको छोड़ो, इसके नीचे जो भी आएगा और ये वाला टर्म आगे खिसक जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। नो सर। Oh, और ये लास्ट टर्म का यूज भी अपन बाद में करें, एक बार तो जनरल टर्म लेके चले टीएन, है ना। इसको मैंने लिख दिया लास्ट, ये टीएन टर्म है ना लास्ट टर्म, तो इसके जो पीछे आएगा इसका पिछला टर्म आएगा एन माइनस वन टर्म, ये एनएथ टर्म है, तो ये एनएथ आगे खिसक जाएगा, सही है भाई, ऐसा होगा। yes, yes, अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो इधर से आएगा जीरो, इधर से आएगा तीन, फिर आएगा छह, फिर आएगा आठ, फिर आएगा दस, यहां से आएगा टी एन माइनस वन, उसको छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे लिखने के लिए बता दिया आपको, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा माइनस टी एन। क्या यहां से लेके यहां तक एक एपी लिख रही है आपको? यस। एन माइनस कितने टर्म्स हैं ये एपी में, कितने टर्म्स हैं? तुम तो यार बहुत ही बड़े वाले गधे हो गई, तो है अब यहां से लेके यहां तक n है, इसके नीचे भी यहां n है, ये कटा हटा दोगे तो ये n माइनस वन नहीं बचेंगे, हाँ जी भाई, यहां से लेके यहां तक n है ना, तो इसमें से ये हटा दिया
तो यहां से लेके यहां तक एन माइनस वन नहीं बचेंगे, हाँ ना कुछ तो बोलो हाँ बचेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला टर्म एपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि देखो इनका गैप दो दो का है और इनमें गैप तीन का है, लेकिन कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होती है कि जैसे मान लो ये टर्म चार हो जाता तो फिर क्या होता, ये वाला टर्म भी इस एपी के अंदर ही क्लब हो जाता, तो आप बोल सकते थे कि ये एन टर्म्स की एपी है, अदरवाइज ये एन माइनस वन टर्म्स की रहेगी। क्लियर है? ये टीएन को उठा के उधर भेज दो, तो ये टीएन बराबर थ्री प्लस अलग से सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस कितने टर्म्स की एपी है, एन माइनस वन टर्म्स की, तो बस इसका सम कर लो, तो टीएन बराबर क्या आ गया थ्री प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने है एन माइनस वन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन में नंबर ऑफ टर्म खुद एन माइनस वन है तो एन माइनस टू आएगा इंटू डी कितना कॉमन डिफरेंस दो, ये दो से दो कट गया तो ये आ गया थ्री प्लस सिक्स एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू। अब देखो ये आ गया थ्री प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, यहां से ये आ गया एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस छ तीन प्लस दो पांच माइनस छ माइनस एक, ये आ गया आपका टी एन। क्लियर है? अब ये जो टी एन है वो गिवन सीक्वेंस का क्या है, जनरल टर्म। हां जी यस सर, लेकिन आपको हमेशा इसको वेरीफाई करके देखना है कि क्या ये सही आया है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में शुरू में एक दो टर्म आपके गड़बड़ा सकते हैं, तो आप चेक करो कि अगर n बराबर वन रखेंगे तो क्या t1 बराबर थ्री आएगा, n बराबर दो रखोगे तो दो का स्क्वायर चार प्लस छह दस माइनस एक, t2 बराबर नौ आएगा, n बराबर थ्री रखोगे तो तीन का स्क्वायर नौ 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 अठारह माइनस टी थ्री बराबर सत्रह, तो तीन नौ सत्रह सही है, गिवन सीक्वेंस मैच कर रहे हैं। अभी yes, मतलब ये जो है वो गिवन सीरीज की जनरल टर्म है, ये हम पहचान गए। क्लियर है? yes, बस हो गया। अब आपको पता है एस एन क्या होगा, सिग्मा टी एन एन बराबर एक से लेके एन जो भी है, अब सिग्मा टी एन मतलब ये इसका सिग्मा कर दोगे, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन एन बराबर एक से लेके, अब एन बराबर एक से लेके कहां तक, उसके लिए आपको लास्ट टर्म दे रखी है भाई, ये चीज निकालनी है आपको, तो ये नंबर निकालने के लिए लास्ट टर्म दे रखी है, तो इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लो, तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन बराबर नाइन एटी नाइन, यहां से आ गया एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस नाइन नाइनटी बराबर जीरो, इसके फैक्टराइज करो तैतीस और तीस तो यहां से n बराबर माइनस तैतीस और तीस आएगा, माइनस तैतीस रिजेक्ट हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई तीस आ गई भाई, तीस है ना, मतलब थर्टी टर्म्स का सम करना है आपको, तो यहां पे n की जगह क्या डाल दोगे थर्टी, हाँ भाई उसके बाद तो कल वाला काम आ गया ये लास्ट स्टेप, अब इसके बाद तो जो कल सीखा है वो करना है, एन स्क्वायर का सिग्मा एन थर्टी इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस एन इंटू थर्टी इंटू एन प्लस वन थर्टी वन बाय टू माइनस थर्टी, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा, कोई परेशानी किसी को? बोलो ठीक है, छाप लो जल्दी से। हो गया सर। चलो
अब अपन वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने शुरू करा था, है ना, इससे पहले, जिससे मैंने आइडिया दिया था आपको कि किस तरह की क्वेश्चन इसमें डील करनी है। उसके टर्म्स बता दो दोबारा से मुझे, क्या थे? सिक्स प्लस दो तीन छह चक 24, 3 4 12 5 60 और 120, एक सौ यही बीस बस दो ठीक, सौ दस यही था एक ना। इसका मेरे को क्या एन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना, एन टर्म्स तक दे दिया मान लो, अप टू एन टर्म्स। तो अब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में ध्यान से आंखें गड़ाए रखना, है ना, इधर उधर मत हो जाना। तो आपने जैसे देखा पहला डिफरेंस किसका है, 18, दूसरा 36, मतलब पहला डिफरेंस ही चल रहा है ये 60, इस तरह से चल रहा है। फिर आपने देखा दूसरा डिफरेंस 18, 24, इसके अगला टर्म था 210, तो ये आ गया 90 और ये आ गया 30। अब आपको पता चल गया, अच्छा हाँ अब ये एपी में आ गया। तो देखो इसमें सेकंड डिफरेंस एपी में आया, तो मतलब दो बार घटाना पड़ेगा इसको, है ना। तो अपन खेल शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा एस बराबर 6 प्लस 24 प्लस 60 प्लस से लेके खट 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 टी एन, लास्ट टर्म एनएथ टर्म जो भी हो। फिर मैंने क्या करना है, एक स्टेप उचका के इसको घटा देना है। तो मैं कहूंगा बेटा थोड़ा सा इधर उचक के बैठ जा, 6 प्लस 24 प्लस इस तरह से खट 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 खट, इसके जो पीछे आएगा वो ये और इसका अगला टर्म एन। अब मैं कहूंगा इसको घटा दो, घटा दो तो यहां तो बचेगा 0, इधर बचेगा 6 प्लस 18 प्लस 36 प्लस खट 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 खट, ये जो भी बच गया यहां तक, है ना, और प्लस टी एन माइनस टी एन, है ना। ये लिखने को ऐसे लिख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ बस, यहां से भी कुछ नंबर आएगा माइनस टी एन, ये टी एन उचक के उधर चला गया। टी एन बराबर आ गया 6 प्लस 18 प्लस 36 प्लस कट 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 कट। अब आपको पता है आपको एक बार और घटाना है, तो आपको एक ये जो नई सीरीज आई है ना, नई सीरीज इसकी भी जनरल टर्म माननी पड़ेगी, मान लो कैपिटल टी एन, है ना, ये छोटी टी ना, ये बड़ी टी ना, ठीक है ना, बड़ी टी ना मान ली हमने। अब एक कदम और इसको उचका आगे घटाएंगे, है ना, इसको बोलेंगे एक कदम और उचक जा और फिर घट जा, तो 6 प्लस 18 प्लस कट 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 इधर टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। अब घटाया तो इधर अगेन 0 बराबर 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस, सही है भाई, है ना, एक आइटम और लिख लो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपन को, तो एक आइटम और लिख ले, 120 और ये 60, तो यहां 60 था, यहां 60 था, यहां 36 था, तो यहां 24 आ गया, सही है। कट 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 टी एन माइनस 1 माइनस टी एन, ये टी एन उधर चला गया, तो कैपिटल टी एन बराबर 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस कर 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 कर। अब देखो ध्यान से यहां तक कितने टर्म्स थे, एन टर्म्स। तो जब ये यहां से यहां घटाए हमने, ये क्या ये जो टर्म है ये एन माइनस वन टर्म्स होंगे, एन माइनस वन ये उधर चला गया, yes. ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये यहां तक एन माइनस, ये पूरे टू हो जाएंगे, एक सेकेंड, अभी तो टू कहां से हो जाएंगे, अभी टू नहीं हुए ना, क्योंकि सर एक सिक्स हटा दो दिया, सर एक सिक्स अलग कर दे दिया आपने, हाँ सर नहीं, अरे सिक्स तो ऑलरेडी अलग है ना, यस सर एन माइनस वन भाई, ये सिर्फ एन माइनस वन थे। अब इसमें से इसको घटाया तो ये जो आएंगे ये एन माइनस वन आएंगे, ठीक है ना। अब आपकी किस्मत ये अच्छी है कि इसमें इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, मतलब इसका पहला टर्म और ये एपी बना गया। कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि ये वाला टर्म एपी का पार्ट ना हो, ये यहां से एपी शुरू हो, तो फिर आप उसको हटाओगे और फिर एन माइनस टू टर्म्स की एपी बचेगी। लेकिन यहां तो आप और भी खुशकिस्मत हो, आप और भी खुशकिस्मत कैसे हो, ये जो पहली टर्म है ये भी एपी में मिल गई आपकी भाई, इसका भी तो गैप चाहिए। yes, तो क्या ये पूरे के पूरे एन टर्म्स नहीं हो गए? yes, तो ये तो बहुत ही आसान बन गया, बहुत ही आसान, इतनी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, है ना। तो यहां पे देखो ये क्या बन जाएगा, टी एन बराबर नंबर ऑफ टर्म एन बाई टू इंटू टू ए टू इंटू सिक्स प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी 6। तो देखो यहां से क्या गया, एन बाई टू अंदर 12 प्लस 6 एन माइनस 6
यहां से एन बाई टू अंदर सिक्स एन प्लस सिक्स, तो दो से ये कट गया, एन इंटू थ्री बाहर आ गया, एन प्लस वन। तो क्या आपका जो कैपिटल टीना है ना, बड़ी वाली टीना, क्या वो थ्री एन इंटू एन प्लस वन आ गया? सही है, बोलो। यस सर। अब मैंने क्या कहा था, आपको हर स्टेप पे वेरीफाई करना है क्योंकि कई बार आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पे देखो n बराबर वन रखा तो थ्री इंटू टू सिक्स मिल रहा है, तो देखो n बराबर वन पे सिक्स मिल रहा है इस सीरीज में, सही है, क्योंकि tn कैपिटल tn तो इस सीरीज की जनरल टर्म है ना। तो इस सीरीज में पहला टर्म देखना, ऊपर वाली में मत देख लेना, वो स्मॉल tn है, ठीक है। ऐसी टी टू क्या हो गया, एन बराबर दो रखोगे तो टी टू क्या हो गया, सिक्स इंटू तीन अठारह, तो सही है। तो ये सीरीज सही मिल गई, मतलब कोई लफड़ा नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब आप जब स्मॉल tn निकालोगे, स्मॉल tn, तो क्या स्मॉल tn बराबर सिग्मा कैपिटल tn n बराबर एक से n है? बोलो भाई, स्मॉल tn क्या है, कैपिटल t1 प्लस कैपिटल t2 प्लस कैपिटल t3 प्लस कैपिटल tn, तो t1 बड़ी टीना का समेशन एक से लेके n कर दूं तो क्या वो स्मॉल tn के बराबर होगा? यस, ठीक है। इसका सिग्मा लगाओगे तो देखो ध्यान से, 3n स्क्वायर प्लस 3n का सिग्मा करोगे एक से n, तो ये आएगा 3 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये तो भैया अभी स्मॉल tn आया, स्मॉल tn, अभी इसको भी वेरीफाई करो कि क्या पहली टर्म इसके साथ मैचिंग मैचिंग हो रही है। आप इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, इसको एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3 प्लस 1 4, तो 2n प्लस 4, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, n प्लस 2 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बचेगी स्मॉल tn। अब इसमें वेरीफाई करो, n बराबर 1 रखा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है 6, n बराबर 2 रखा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 24 आ रहा है, तो सही है, कोई लफड़ा नहीं है, मतलब यही आपकी tn है। नाउ फाइनली s क्या आएगा, s बराबर सिग्मा ऑफ स्मॉल tn बराबर n बराबर 1 से लेके n तक, तो इसका समेशन इसका क्या है, ये है n क्यूब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस टू, तो उसको क्या लिख सकते हो, एन क्यूब एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन, इसका सिग्मा करोगे ना फाइनली, ये आपका आंसर आएगा। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हमने पहले देखो इसमें से घटाया, फिर इसको टीएन माना जनरल टर्म को, उसके बाद फिर जो दूसरी चीज आई उसमें कैपिटल टीएन माना, फिर उसमें से घटाया। अब हो सकता है ये शुरू के एक दो टर्म आपके इसमें क्लब ना हो, यहां तो फॉर्चुनेटली हो रहे हैं, नहीं हो रहा तो उनको अलग करना पड़ेगा, अभी मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा उस पे भी कैसे डील करना है, ठीक है ना। यहां तो हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आपने देखा कैपिटल टीएन ये आ गया, सारी टर्म ही एपी में क्लब हो गई, सारे टर्म्स, तो आपने कैपिटल टीएन निकाल लिया। अब आपने वेरीफाई करा एन बराबर 1 2 3 रखने पे कि वे टर्म सेम आ रहे हैं, हां आ रहे हैं, तो मतलब कैपिटल टीएन सही है, कैपिटल टीएन सही है, तो इसका सिग्मा करोगे तो स्मॉल टीएन आएगा, स्मॉल tn आया, स्मॉल tn वेरीफाई करके देख लिया वो भी सही है, वो भी सही है, मतलब स्मॉल tn का सिग्मा करोगे तो ऐसा आएगा, तो दो बार सिग्मा लग रहा है इसमें, क्लियर है? हाँ भाई, यस, बस नोट कर, हाँ कर लो।
सर हाँ सर, वो जो स्मॉल टी एन निकाल लिया आपने सर, जो उसका एलसीएम हमारा वो किधर गया? क्या इसको सॉल्व कर ले भाई, यही आएगा। थ्री एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ गया, अंदर टू एन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बचा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा। ओके सर। चले यस सर। चले यस नो सर। सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जो मैं चीज बताना चाह रहा था ना कि कई बार टर्म्स क्लब नहीं होते हैं, वो इस क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एस दे रखा है आपको, है ना, जैसे ही आपकी सीरीज आई आपने देखा इसका गैप कितना 7, इसका गैप कितना 19, इसका गैप कितना 37, इसका गैप कितना 61, इसका गैप कितना 12, इसका गैप कितना 18, इसका गैप कितना 24। हाँ भाई, एपी मिल गई सेकंड डिफरेंस में, मतलब दो बार घटाना पड़ेगा। तो आप खटाखट शुरू हो गए, एस बराबर 5 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 68 प्लस से लेके खटखट खटखट आपने टी एन बोल दिया, एनएच टर्म, एक कदम घटाया उचकाया और फिर घटाया। अब आप इसको घटाओगे तो 0 5 12 5 7 31 12 19 68 37 प्लस यहां तक और माइनस टी एन, ये टी एन इधर आ गया, टी एन इधर आ गया, तो क्या बचा 5 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखो, चलो कुछ मत देखो अभी, तो टी एन लिखा रहने दो, है ना, बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो टर्म्स है ये कितने हैं, एन माइनस वन टर्म्स है, एन माइनस वन। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक n माइनस वन टर्म्स है, बस इतना ध्यान रखना। अब दोबारा tn लिखा, एक कदम उचकाया, 5 प्लस 7 प्लस 19 प्लस tn माइनस 1 प्लस tn, फिर घटाया तो 0 बराबर 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 18 प्लस खटखट खटखट खट यहां तक माइनस tn। अब बताओ कि क्या इनका गैप है 3, इनका गैप है 10, यहां से एपी शुरू हो रही है, 6-6 का गैप आ रहा था ना, 6-6 का, तो 6 का गैप तो 12 से 18, 18 के बाद फिर 24 आएगा, यहां पे आएगा 6 का गैप, तो एपी तो आपकी यहां से शुरू हो रही है 12 से, ये दो टर्म एपी में थोड़ी पार्ट कर रहे हैं। यस सर। नहीं आ रही। तो देखो यहां तक थे एन माइनस वन टर्म, उसमें से एक ये हट गया, तो ये कितने बचे, एन माइनस टू टर्म बचे कि नहीं बचे, एन माइनस टू टर्म बचे। हाँ एन माइनस टू, बस तो मैं यही बताना चाह रहा था एग्जैक्टली। इसको अपन देखते हैं कि अब ये n माइनस टू टर्म है, tn इधर आ गया, तो tn बराबर 5 प्लस 2 प्लस 12 18 24, ये जो ap है
ये तो सिर्फ n माइनस टू टर्म्स की एपी है, ठीक है जी। अब tn को आप क्या लिखोगे, पांच और दो तो सात हो गए, सात प्लस ये n माइनस टू टर्म की एपी है, तो नंबर ऑफ टर्म n माइनस टू बाई टू इंटू टू इंटू ए प्लस n माइनस टू माइनस वन एन माइनस थ्री इंटू डी कितना छह, ये दो हिस्से कट गया, ये तीन आ गया, अंदर बचा 12 प्लस 3n माइनस 9, तो कितना बचा 3n प्लस 3 n माइनस 2 7 प्लस, तो देखो 7 प्लस 3n स्क्वायर 3n माइनस 6n माइनस 3n माइनस 6, ये आपका कैपिटल Tn आ गया। अब मैंने क्या कहा था आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि यहां पे सारे टर्म क्लब नहीं हो रहे, तो यहां पे पक्की बात है या चांसेस हैं कि आपका हो सकता है शुरू के टर्म मैच ना करें। तो देखो अब इसको वेरीफाई करेंगे अपन, तो थोड़ा इसको पहले तो लिख ले, ये टी एन क्या है, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस वन आ गया। अब देखो एन बराबर वन रखा तो टी वन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो टी वन इस सीरीज का जनरल टर्म है, तो क्या पहला टर्म वन है क्या? नो सर। तो मतलब T1 वेरीफाई नहीं हो रहा। चलो n बराबर दो रखा तो T2 क्या आएगा, दो चार तीन बारह और एक तेरह, तेरह माइनस छ सात आ गया, सेवन आएगा, सही है। n बराबर थ्री रखा तो तीन नौ सत्ताईस, एक अट्ठाईस माइनस नौ उन्नीस आ गया। चलो मतलब सात से लेके, मतलब सेकंड टर्म से लेके आगे वाले जो टर्म्स हैं उनको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बस पहले टर्म का लफड़ा है, यही बात है। हाँ जी, तो ध्यान से देखो जो आपका स्मॉल tn है वो क्या है, पांच प्लस बाकी इस सीरीज के t2 t3 t4 ये सब तो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि tn जो है उसको पांच प्लस t2 प्लस t3 प्लस से लेके tn तक तो लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं भाई, t1 का ही तो लफड़ा पड़ रहा है, बाकी तो सब कुछ सही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस टी एन का सिग्मा एन बराबर दो से लेके एन तक, बोलो। यस। अब ध्यान दो कि आप जब इसमें ये रखोगे टी एन की जगह, तो आप जो फॉर्मूले लगाते हो स्टैंडर्ड एन का एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, वो एन बराबर एक से एन का होता है या दो से एन का होता है? बोलो। वन से होता है सर, वन से होता है, वन से होता है, तो ये दो से एन लग रहा है, तो अगर वन वाला टर्म इसमें मैं जोड़ दूं तो वन से एन क्लब कर सकता हूं मैं, पूरा इकट्ठा फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो वन रखने पे इसमें क्या वैल्यू आ रही है, वन आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। मतलब इसको वन से एन होने के लिए सिर्फ एक नंबर की कमी है कि इसमें वन जोड़ दिया जाए, तो वो वन यहां से निकाल लो, इसको मैंने लिख दिया चार प्लस वन और वन इसको दे दिया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं फोर प्लस सिग्मा एन बराबर एक से लेके एन थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस वन। हां जी, ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, बस, तो इसके बाद क्या करना है, टीएन निकाल लो आप, तो टीएन आ गया आपका 4 प्लस, तो देखो यहां पे लफड़ा था, यहां पे अगर आप सीधा इसका सिग्मा कर देते तो गलत था, क्योंकि शुरू का एक टर्म मैच नहीं कर रहा था, बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब इसको आप इसका सिग्मा कर दोगे 3 इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, इसका माइनस 3 इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू प्लस वन का सिग्मा एन, ये आ गया, ठीक है। ये इधर वाला पार्ट तो रूप कर सकते हैं? यस यस सर। चलो अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना है तो अगेन 3 इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू तो आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2n प्लस वन बाय थ्री माइनस वन, सही है जी, एलसीएम लोगे तो 2n प्लस 1 माइनस 3 बाय 3, फिर ये बचेगा 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन 3, ये 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये बचेगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये बचेगा, और प्लस का ये n, दोनों में n कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये कट जाएगा तो बचेगा n क्यूब, तो ये 4 प्लस n क्यूब, तो क्या tn की वैल्यू n क्यूब प्लस 4 आ गई? Yes, sir. अब इसको भी वेरीफाई करो, इसको भी वेरीफाई करो, है ना? तो ये मैंने मिटा दिया क्योंकि तो जगह नहीं है। तो सीरीज क्या थी शुरू से? 5, 12, आगे क्या था? ठीक है, अब देखो n बराबर 1 रखो तो क्या t1 5 आ रहा है? सही है। n बराबर 2 रखा तो क्या t2 12 आ रहा है? सही है। बस तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये सही है। तो Sn बराबर क्या हो गया? सिग्मा Tn n बराबर 1 से लेके n, तो n क्यूब का सिग्मा करोगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का सिग्मा 4n, बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी? Yes, कर लिया सर नोट। बिठा दें इसे? यस सर। चलो कर लिया सर। प्लीज ऐसे बड़ा लिख। अब इसको, इसका आपको शॉर्टकट बताते हैं ना, कि आप शॉर्टकट से कर सकते हो एंट्रेंस में, है ना? अगर सब्जेक्टिव आ गया तो नहीं कर सकते। शॉर्टकट क्या है? शिकारी पैटर्न कि मान लो सीरीज दी है A1 B1 A1 A2 A3 इस तरह, सही है? इनका मान लो आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, वो आ गया B1 B2 इस तरह, फिर मान लो डिफरेंस निकाला वो आ गया C1 C2 इस तरह, और इस तरह चलते चलते मान लो आपका kth जो डिफरेंस है वो एपी में आ गया, ठीक है? मान लो इस तरह आपका आ गया, तो अब सीधा जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या? tn बराबर a1 प्लस b1 इंटू एन माइनस वन प्लस c1 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस d1 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये आपकी सीधा जनरल टर्म आ जाएगी, है ना? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी पिछला क्वेश्चन जो लिया ना उसी पे बात करते हैं। क्या था वो क्वेश्चन? 5, 12, 31, 68, 129, यही था? बोलो। yes, इसका गैप आया 7, इसका गैप आया 19, 37, फिर इसका गैप आया 12, इसका गैप आया 18, उसके बाद इसका गैप आएगा 6, और आगे का तो फिर वो 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। तो मैंने क्या बोला? A1 जनरल टर्म 5 प्लस B1 7 इंटू एन माइनस 1 प्लस 12 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस आगे तो कोई टर्म बचेगा ही नहीं, आगे तो 0 0 0 आएगी गैप। यस सर। इसको सॉल्व कर लो, वही आएगी जनरल टर्म। सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा स्मार्टली देखो, ये 6 से 6 गया, ये 2 से 12 जाएगा, 6 आएगा, इन दोनों में कॉमन ले लिया n माइनस वन इंटू एन माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 6 प्लस n माइनस 3, तो ये आ गया n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन प्लस 3 आ गया, ठीक है? 5 प्लस 7 इंटू एन माइनस वन।
अब देखो इन दोनों में n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस n माइनस वन कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 7 प्लस n माइनस टू इंटू एन प्लस थ्री। हाँ जी सर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 3 होगी ना, तो 12 से कटेगा तो 4 आएगा ना। 2 फैक्टोरियल 3 होता है, ये किसने कह दिया तुम्हें? अरे क्या पागल हो गई यार, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, तो ये 2 होता है, 6 होता है, इसमें क्या है? यस सर, अलग ही जानी। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, ये आ गया आपका 5 प्लस एन माइनस वन, ये अंदर देखो एन स्क्वायर 3n माइनस 2n प्लस एन माइनस 6 प्लस 7 प्लस 1। अब इसको ओपन कर दिया, 5 प्लस एन क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो एन क्यूब माइनस 1, तो क्या एन क्यूब प्लस 4 आ गया, यही आया था आंसर। yes. तो जो सारे झंझट थे ना, इतना स्टेप दिमाग लगाना ये करना, हम सबसे निकल के तुम सीधा जनरल टर्म लिख दोगे ये तरीके से। जनरल टर्म लिखने के बाद बस एस एन क्या हो गया, सिग्मा टी एन खत्म। सर हाँ, तो ये शिकारी मेथड है, देखो तुरंत सारा काम कर दिया इसने 2 मिनट के अंदर। लेकिन अब वही बात, जो बच्चा आलसी होगा ना वो सोचेगा हाँ बस शॉर्टकट रट लो, लेकिन जो इसके पहले जो कहानी है ना वो पढ़ाई है मैंने आपको 1 घंटा लगा के, तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूं भाई, वो बेसिक है, वो ऐसी चीज है, वो कोई क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेप उसका यूज हो सकता है, मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए कि ऐसे सीरीज को उचकाना, फिर घटाना, फिर नंबर ऑफ टर्म्स बैलेंस करना, सिग्मा एडजस्ट करना, वो जो चीजें हमने करी है ना वो काम आने वाली है, तो वैसे भी करना सीखें, पहले वैसे करें कई क्वेश्चन है ना, उसके बाद शॉर्टकट लगाएं। एग्जाम में तो अपन शॉर्टकट लगाएं, अपने क्या दिक्कत है, अगर अपने शॉर्टकट से जल्दी हो रहा है शॉर्टकट लगाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगर मान लो 2 डिफरेंस से ज्यादा आ रहा है तो शॉर्टकट लगाने में फायदा है, 1 डिफरेंस तक तो चलो आप झेल लोगे उससे, लेकिन वो भी आना चाहिए जो बेसिक पढ़ा है आपको। क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखा इसका, देखो मैंने एग्जांपल अप्लाई करके दिखा दिया, सेम ही आंसर है, जल्दी से छाप लो। अब मुझे इसका सेकंड केस कराना है, जब इस तरह डिफरेंस के डिफरेंस वगैरह जीपी में आ जाते हैं तो क्या करना होता है। चले यस सर, कर लिया। यस सर। चलो तो सेकंड जो कैटेगरी है इसमें, वो है व्हेन kth डिफरेंस आर इन जीपी, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, 3, 7, 11, 20, 37, इस तरह से एक सीरीज है अप टू एन टर्म्स। आपने गैप देखा 4, 4, 9, 17 कुछ सत्रह है क्या, 3, 6, 11 6, 37, 70 तो 33, 5 और 3। अब देखो गैप 2, 4, 8, 16। हाँ भाई जीपी दिख रही है, जीपी सेकंड गैप में। यस सर। तो पहले इस क्वेश्चन को भी मैं बेसिक से करके दिखा रहा हूं, एकदम फंडामेंटल तरीके से कैसे करना है, वही जो भी करा था, और फिर अपन इसका भी शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है ना। तो अगेन स्टार्ट करा, एस बराबर 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 20 प्लस से लेके सपोज एन टर्म टी एन है, एक कदम उचका दो, 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस से लेके नीचे आएगा टी एन माइनस 1 और यहां आएगा टी एन,
फिर घटा दो, इधर आएगा जीरो, इधर आएगा तीन, इधर आएगा तीन, इधर आएगा पांच, इधर आएगा नौ, प्लस खट 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 और माइनस टी एन, ये यहां तक आ जाएगा, यहां तक है ना, टी एन माइनस, टी एन माइनस। तो देखो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे, एन माइनस वन टर्म्स होंगे, एन माइनस वन, ये माइनस टी एन उधर चला जाएगा, तो टी एन बराबर थ्री प्लस, थ्री प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस खटखट खटखट जो भी है, मैंने टी एन बोल दिया कैपिटल, ठीक है जी। अगेन कुछ कहो घटाओ, टी एन को लिखा थ्री प्लस, थ्री प्लस नौ, पांच प्लस अगेन घटाया तो तीन, ये तीन माइनस तीन जीरो, पांच में से तीन दो, नौ में से पांच चार, अब जाके जीपी बननी शुरू हुई है यहां से, माइनस टी एन, कैपिटल टी एन उछल के इधर आ गया, तो ये बराबर बच गया थ्री प्लस। अब देखो टर्म्स का खेल है सारा का सारा, ये यहां से लेके यहां तक एन माइनस टू माइनस वन थे, ये एक और कम हो गया, तो एन माइनस टू टर्म्स की, एन माइनस टू, एन माइनस टू, हाँ, तो टू प्लस फोर प्लस एट प्लस जीपी ऑफ एन माइनस टू टर्म्स, ठीक। अब आपने कैपिटल टी एन लिखा तो जीपी का सम क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एन क्या है खुद एन माइनस टू, तो एन माइनस थ्री आ गया, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये जीपी का समेशन हो गया। अब देखो ये लिखा है थ्री प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री माइनस टू, तो ये लिखा है वन प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस टू, क्या ये लिखा है टी एन, इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, अपन ने फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन होता है एन, टू होना चाहिए सर, तो एन माइनस टू आएगा, तो ये एन माइनस वन आएगा। अब देखो एन बराबर वन रखा तो टी वन कितना आ रहा है, वन माइनस वन जीरो, दो की पावर जीरो, वन प्लस वन टू आ रहा है, तो क्या फर्स्ट टर्म टू है, नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये वेरीफाई नहीं हो रहा। एन बराबर दो रखा तो टी टू बराबर कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, सही है। एन बराबर तीन रखा टी थ्री बराबर कितना आ रहा है, पांच आ रहा है, सही है। मतलब यहां से लेके यहां तक का मामला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन वही काम करेंगे, टी एन बराबर क्या, थ्री प्लस कैपिटल टी आर का सिग्मा आर बराबर दो से लेके अंत तक चलेगा, बोलो yes, sir। अब अगेन yes, sir। इसको वन से एन करना है तो वन रखने पे वैल्यू क्या आ रही है, दो ही तो आ रही है, yes, sir। दो इसमें से निकाल लो, तो इसको लिख दो वन प्लस सिग्मा आर बराबर एक से लेके एन, वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन, अब सब बैलेंस हो गया, ये आ गया स्मॉल टी एन, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया वन प्लस, अब देखो वन 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 सिग्मा क्या आएगा, एन आएगा, प्लस टू की पावर एन माइनस वन, खुद में एक जीपी है, देखो एन की जगह वन रखोगे तो ये क्या आएगा, एन की जगह वन रखोगे वन आएगा, दो रखोगे टू आएगा, तीन रखोगे दो स्क्वायर आएगा, और एन रखोगे दो की पावर एन माइनस वन आएगा, ये जीपी है जिसके नंबर ऑफ टर्म कितने एन, तो इसको लिखोगे वन प्लस एन प्लस टू, फर्स्ट टर्म वन इंटू कॉमन रेशियो टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, तो भैया ये क्या आ गया, टू की पावर एन प्लस एन आ गया, देख रहे हो। स्मॉल टी एन क्या आ गया, टू की पावर एन प्लस एन, अब देखो एन की जगह वन रखा बैलेंस कर रहा है, एन की जगह दो रखा, एन की जगह तीन रखा, वेरीफाई हो रहा है, बोलो यार, yes, sir। बस तो एस एन क्या आ गया, yes, sir। सिग्मा ऑफ एन प्लस टू की पावर एन, एन बराबर एक से एन, तो एन का सिग्मा क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये एक जीपी आ गई जिसमें फर्स्ट टर्म दो है, लास्ट टर्म दो की पावर एन है, तो कॉमन फर्स्ट टर्म टू इंटू कॉमन रेशियो टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, यस सर। चलो अब अगेन शॉर्टकट, शॉर्टकट देख ले, ये मिटा दो नीचे वाला, यस सर मिटा दो, शॉर्टकट
शॉर्टकट क्या है, जैसे ही आपने देखा गैप 3, 5, 9 आगे 17 फिर 2, फिर 4, फिर 8, तो ये क्या था, फर्स्ट डिफरेंस था, ये आपका सेकंड डिफरेंस था। ऐसे ही ध्यान दो यहां पे, सेकंड डिफरेंस था और उसका कॉमन रेशियो कितना था, कॉमन रेशियो वो कितना था, 2। तो जो आपका जनरल टर्म आया, जनरल टर्म वो क्या आया, 2 की पावर n प्लस n, तो कॉमन रेशियो यहां पे कॉमन रेशियो आएगा r। भाई मान लो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, कभी तो जीपी बनेगी, तो मान लो इन जनरल kth डिफरेंस में जाके आपकी जीपी बन जाती है और उस जीपी का कॉमन रेशियो जो है वो r है, तो जो जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म मतलब tn, वो पता क्या बनेगी, वो कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो r, उसकी जो पावर लगेगी, उसकी जो पावर लगेगी वो आएगी n, a इंटू आर की पावर n, a मतलब कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, यहां पे तो r के साथ कुछ आया नहीं बट हो सकता है, तो a इंटू आर की पावर n प्लस, ये कौन से डिफरेंस में आई है, kth डिफरेंस में आई है, तो k माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो ये सेकंड डिफरेंस में आया था, तो सेकंड डिफरेंस में आया था तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2, k की वैल्यू 2 हो गई, तो k माइनस 1 क्या बचा, 1, k माइनस 1 मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, देखो ये n 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो आप इसके साथ क्या करोगे, n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जोड़ दोगे, n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जोड़ने के लिए क्या बोल सकते हो आप, ए वन इंटू एन एन की पावर के माइनस 1 प्लस ए टू इंटू एन की पावर के माइनस 2 से लेके इस तरह से लास्ट में कॉन्स्टेंट तक, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट है, मान लो ए के माइनस 1, ए के माइनस 2 लास्ट में इस तरह से। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है, कॉमन रेशियो की पावर एन इंटू कॉन्स्टेंट प्लस के माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, के माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करते हैं अपन, है ना, ये मिटा दो साइड वाला, सर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ हाँ तो बता रहा हूं ना अभी क्वेश्चन करके, पहले सुन तो लो, ये तो मैंने बताया कि जनरल टर्म माननी कैसे, अब करना कैसे मैं इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूं ना, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें देखे तो जैसे आपने देखा कि सेकंड डिफरेंस आ गया, तो मतलब आप क्या बोलोगे, a इनटू कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 की पावर n, और n माइनस 1, k माइनस 1 मतलब लीनियर डिग्री, लीनियर डिग्री को आप बोल सकते हो b n प्लस c बोल सकते हो, बोलो, यस सर, ये आपका tn, ये आपने tn मान लिया उसको देखते ही, अब आप देखो n की जगह 1 रखोगे तो t1 क्या आएगा, a इंटू 2 प्लस बी प्लस सी, और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो एक इक्वेशन आ गई। ऐसी n की जगह 2 रख दो तो जो t2 है वो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस सी, वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। ऐसी n बराबर 3 रख दो तो t3 आ जाएगा, तो 8a प्लस 3b प्लस सी वो कितना, 11। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, तो देखो इसमें से इसको घटाओ, yes. तो आएगा 4a प्लस b बराबर 5, इसमें से इसको घटाओ तो आएगा 2a प्लस b बराबर 3, अब इसमें से इसको घटाओ तो आएगा 2a बराबर 2, तो a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया इसमें रख दिया, तो b बराबर 1 आ गया, a और b दोनों 1 आ गए इसमें रख दिया, 4 और 2 6, तो c बराबर 0 आ गया, तीनों वैल्यू आ गई, उठा के इसमें रख दी, तो देखो जनरल टर्म आपकी क्या बन गई, 2 की पावर n प्लस n बन गई कि नहीं बन गई, यही आई थी, yes. ठीक है, तो ये इसमें शॉर्टकट है क्या, कि अगर kth डिफरेंस जीपी में आ गया तो वो जीपी का कॉमन रेशियो r, उसकी पावर n इंटू a, एक तो वो टर्म आएगा एक्सपोनेंशियल, प्लस kth डिफरेंस में आया तो k माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से उसको मान के आप दो तीन वैल्यू रख के टर्म्स वगैरह निकाल सकते हो, अगर ये नहीं अच्छा लगे तो बेसिक से करो, बस खड़ा खड़ा आंसर आ जाए, क्लियर है सबको, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है पहले दिन में चैलेंजिंग लगे, है ना, इसको देखें पढ़ें करें, है ना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ ले मुझसे डाउट वगैरह, पर इसको कर ले, है ना, चलिए ठीक है, फिर बाकी काम अपन कल करते हैं, ओके, थैंक यू।